कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, कुछ आपको नहीं पता एनआईएस बोर्ड के बारे में, तो वो सारी जानकारी मैंने दिया है जो आपके पास होनी चाहिए। फिर हेलो भाई, नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। यूपी बोर्ड 2024 का रिजल्ट आ चुका है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 75% क्राइटेरिया नहीं हो पाया है। तो यहां पर हमने लिखा है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट, और यहां पर ब्रेकिंग न्यूज आप जानते हैं कि अभी लेटेस्ट में आया है, और मार्क्स इम्प्रूव कैसे करें, इस टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ में हम आपको बताएंगे कैसे 75% क्राइटेरिया पूरा करना है, क्योंकि जो रिजल्ट मतलब एग्जाम हुआ था यूपी बोर्ड का, उसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है, यानी कि अपने आप लाइफ में बहुत मस्त है, खुश है, बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट सही नहीं आया, यानी कि जो वो चाहते थे वो पूरा वो नहीं कर पाए। तो अब इस सारी चीजों में किस तरीके से आप अपने आप को एनआईएस बोर्ड के जरिए इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या बेस्ट होगा आपके लिए और क्या उसका प्रोसेस होगा, ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। हो सकता है वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बढ़ा जाए, पेशेंस रखना, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल सही जानकारी पहले ले लेना, क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी होगी तो आप मिसगाइड नहीं होंगे और अपने लाइफ के बारे में बेहतर सोच पाएंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आगे की जर्नी में ये चैनल काफ़ी आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे ऐप, वेबसाइट एंड फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक दिया है, जहां से आप हमें एक्सेस कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है, अगर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको साथ शेयर करूं कि जी यूपी में यानी उत्तर प्रदेश का जो 2024 का रिजल्ट आया, अब उसमें हम दो तीन कैटेगरी के स्टूडेंट को हम बांट लेते हैं। बहुत तरह के स्टूडेंट हैं जिनमें बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो फेल हो चुके हैं, है ना, पूरी तरह फेल हो गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास जो है कि आपका जो है मार्क्स कम है, यानी कि लो मार्क्स आया है। अब वो थोड़ा सा इसको क्या करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। सो कैसे ये इंप्रूव करेंगे, और दूसरा जो फेल हो चुके हैं उनके लिए क्या कुछ होगा, ये दोनों ही बातें एक एक करके हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, सारा प्रोसेस बता देते हैं, सिस्टम बता देते हैं। उससे पहले एक जरूरी बात, आपको एनआईएस बोर्ड के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर आप नए हैं, एनआईएस बोर्ड के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, तो अगले दो मिनट में मैं वो पूरी जानकारी देने वाला हूं एनआईएस बोर्ड के बारे में, जिसके बाद आपके मन में जितने भी सवाल है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एनआईएस बोर्ड की अगर मैं बात करूं, एनआईएस बोर्ड जो है इंडिया के टॉप सेकेंड बोर्ड में आता है, रैंकिंग इसका टॉप सेकंड है पूरे भारतवर्ष में, भारत सरकार द्वारा संचालित है। इसके अलावा एनआईएस बोर्ड एक ओपन स्कूलिंग है। ओपन स्कूलिंग का मतलब है कि यहां पर कोई भी आपके क्लासेस नहीं होते हैं, ऑनलाइन सारा रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी जानकार व्यक्ति से करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप आएंगे तो एनआईएस आपको बहुत तरह के फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप 5 सब्जेक्ट्स से एकदम फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं 10th और 12th का, तो भी आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो विद इन 3 ईयर्स आप फेल हो चुके हैं, एसेंशियल रिपीट आ चुका है, तो आप उनमें से किसी 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करवा के बाकी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ देकर अपना 5 सब्जेक्ट का एक मार्क्सशीट बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। या मान के चलिए कि आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना है जो आपके पास पहले से था ही नहीं, लेकिन आप 12th पास हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप एनआईएस से 1 से 4 सब्जेक्ट के बीच में या 4 सब्जेक्ट तक एडिशनल सब्जेक्ट लेकर एग्जाम दे सकते हैं और अपने लाइफ में जिस कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं वहां आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली एनआईएस में 2 तरह के एग्जाम कंडक्ट होते हैं। यहां पर सबसे पहला जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक एग्जाम। जो हमारा पब्लिक एग्जाम होता है वो फिक्स होता है, यानी कि जैसे बाकी बोर्ड्स का है, जैसे यूपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है या फिर आप सीबीएसई का होता है, तो वैसे ही इसका साल में 2 बार होता है, एक आपका अप्रैल में होता है, एक अक्टूबर में होता है। यहां पर ये पब्लिक एग्जाम होता है। और दूसरा जो होता है यहां पर, ये होता है ऑन डिमांड एग्जाम, जिसको ओडीई कहते हैं। ये साल में 2 बार होता है, 1 जनवरी से लेकर आपका मार्च तक चलता है,
और दूसरा जो अभी जून से स्टार्ट होने वाला है, जून से लेकर और सितंबर तक चलेगा आपका। तो बेसिकली अगर आज की डेट की हम बात करें तो आपके लिए जो बेस्ट होगा वो ये वाला है, यानी अगर आप अपना साल बचाना चाहते हैं और जी आप चाहते हैं कि हम जल्दी से इसी साल किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें, या मान के लिए IIT की तैयारी कर रहे हैं या नीट के एस्पिरेंट्स हैं या किसी भी फील्ड में जैसे भी हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, हम साल बचाना चाहते हैं, तो दिस विल बी बेस्ट फॉर यू। जून से सितंबर तक इसी का प्रोसेस, इसी के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जनवरी से मार्च वाला तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर आप इस साल ड्रॉप लेना चाहते हैं और किसी पब्लिक एग्जाम में जाना चाहते हैं तो फिर आप अप्रैल 2025 में आ सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो ये दो ऑप्शन है, या तो आप ये कर सकते हैं लेकिन इसके लिए पूरा साल आपका खराब होगा, ये अगले साल आप एग्जाम दे पाएंगे, रिजल्ट भी इसका नेक्स्ट ईयर आएगा। हाँ, अगर आप चाहें तो बीच में 2024 वाला दे सकते हैं, अभी एक इसका भी पोर्टल ओपन होने वाला है। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी 12th पास हैं या फिर किसी वजह से उनको प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें भी इसका रिजल्ट दिसंबर में आएगा, यानी इसमें भी पूरा साल खराब हो जाएगा। इसलिए हम पब्लिक एग्जाम के बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे इसकी जानकारी देकर। हम टोटली आपके लिए बेस्ट जो आपके लिए ऑन डिमांड है इसके बारे में जानेंगे कि ऑन डिमांड एग्जाम अगर जून से सितंबर में है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या करना होगा, कितना फीस इसका लगता है, क्या राइट वे है और आपके लिए क्या बेस्ट होगा। तो अब आप वापस आते हैं यहाँ पे, यानी हमने आपको कहा कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो लो मार्क्स से इंप्रूव करना चाहते हैं या 75% के क्राइटेरिया को निकालना चाहते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में दो चॉइस आपको यहां NIS देता है। कितने चॉइस देता है? दो चॉइस देता है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला जो ऑप्शन यहां पर मिलता है वो ऑप्शन मिलता है आपको कि देखिए, यदि आप पास हैं ठीक है, लेकिन आप केवल मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी स्टूडेंट जो 12th पास है और NIS बोर्ड में एग्जाम देना चाहता है तो उसको जो अलाउ किया जाता है केवल और केवल 4 सब्जेक्ट तक ही अलाउ किया जाता है। यानी आप 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट्स के बीच में या 4 सब्जेक्ट तक एग्जाम दे सकते हैं और इसमें भी आपकी च्वाइस होगा, यानी जो सब्जेक्ट आपके पास पहले से है जरूरी नहीं है केवल उन्हीं सब्जेक्ट का आपको देना है, आप चाहें तो सब्जेक्ट चेंज करके भी यहां दे सकते हैं। तो अब यहां पर आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामने दो दो मार्कशीट बन जाएगा। तो बेसिकली पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्कशीट कहते किसको है। देखिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा पेपर, ऐसा रिजल्ट जिसमें 5 सब्जेक्ट हो एज पर लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हम लोग कहते हैं मार्कशीट। लेकिन ये तो आपको 4 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का ही दे रहा है, तो इसको बेसिकली कहेंगे हम लोग सर्टिफिकेट। अगर मैं अपने ऊपर लूं कि मैं यूपी बोर्ड में मैंने एग्जाम दिया था, उसके बाद मान के चलिए मेरा आ रहा है 65%, लेकिन मुझे चाहिए 75%। अब मैं देखूंगा कि 10% मुझे अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है। अब 10% का मतलब 1% 5 मार्क्स के बराबर होता है, 50 नंबर मुझे और चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन सब्जेक्ट्स का लिस्ट बनाऊंगा जिनमें मेरी पकड़ ज्यादा है, और दूसरा मैं वो सब्जेक्ट्स लूंगा जिसमें ज्यादा नंबर आ सकते हैं। जैसे कि NIS में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे डेटा एंट्री है या पेंटिंग, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां प्रैक्टिकल का मार्क्स ही आपका 60 नंबर 70 नंबर का होता है, जहां थ्योरी बहुत ही कम 30 या 40 होता है, यानी कि यहां भरपूर नंबर आता है। तो एक आध सब्जेक्ट हम ये ले लेंगे और बाकी जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा उनमें से हम देख लेंगे कि इसमें किसमें मेरी पकड़ अच्छी है, कैसे तैयारी होगी, क्या सिलेबस होगा। मैंने कहा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 से 4 सब्जेक्ट्स तक हम यहां पर अपने आप को इनरोल कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे, उसके बाद हमें मिलेगा एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब मान के चलिए आपने जून में एग्जाम दिया तो उसके 45 डेज बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप किसी कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए गए या मान के चलिए IIT JEE के रिगार्डिंग ही आपने वहां पर दिया, तो आपका जो 12th का प्रीवियस वाला रिजल्ट होगा वो भी रखना पड़ेगा और उसके साथ में ही ये वाला साथ में रखना होगा। अब देखिए, दो दो मार्कशीट जब आपके सामने आएगा तो आप सोच रहे होंगे इसे नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों में से जो बेस्ट ऑफ 5 होगा उसका परसेंटेज निकाला जाएगा। उसमें भी मान के चलिए कि आपने ऑन डिमांड एग्जाम दिया NIS में और एक सब्जेक्ट में थोड़े से नंबर कम आ गए, जिसमें पुराने बोर्ड यूपी बोर्ड में ही ज्यादा था, अब इसमें कम आ गए हैं, तो इसके लिए भी कोर्ट में बहुत सारे दलीलें चली है और जजमेंट आया है कि आप मान के चलिए 2 बोर्ड में एग्जाम देते हैं और पहले दें या बाद में दें, अगर उस सब्जेक्ट का नंबर किसी भी बोर्ड में ज्यादा होगा तो वही लिया जाएगा। यानी कि अगर मान के चलिए फिजिक्स का एग्जाम आपने यूपी बोर्ड में दिया, वहां पर आया मान के चलिए 70, और अगर आपने NIS में दिया और वहां आ गया 65, तो बाद में तो NIS का दिया है
तो पहले क्या होता था कि वो बाद वाले का ले लिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि पुराना वाला 70 है और बाद वाला कम है, तो पुराना वाला ही लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स की भलाई को देखते हुए जो ज्यादा मार्क्स होगा वो लिया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बन सके। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है, कैसे एनरोल करेंगे, क्या सिलेबस होगा मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तरीका बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये है कि आप 12th पास हैं, या मान के चलिए कोई 10th पास है और इम्प्रूव करना चाहता है, तो दोनों ही केस में दे सकता है। अब दूसरा स्टूडेंट की बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करते हैं कि आप किसी वजह से 12th या 10th फेल हैं। फेल का मतलब क्या होता है? देखिए, फेल का मतलब जरूरी नहीं होता है कि 5 सब्जेक्ट में ही फेल हो तो उसको फेल कहते हैं। देखिए, 5 सब्जेक्ट होता है, कई के पास 6 सब्जेक्ट होता है, तो अगर मान के चलिए किसी का 5 सब्जेक्ट है, उसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में भी अगर कंपार्टमेंट आ गया ना, तो उसको फेल ही कहेंगे, क्योंकि 5 पूरा पास चाहिए तभी हम पास कहलाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में एनआईएस आपको एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी देता है। एनआईएस कहता है कि आप जिसमें भी पास है ना, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स फिजिकल एजुकेशन को छोड़कर, इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसको टीओसी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो भाई, इस टीओसी का मतलब है कि 2 सब्जेक्ट हम डायरेक्ट ले लेंगे। इसके लिए आपको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करना होगा, इसके लिए प्रॉपर टाइम मिलता, बाद में भी करवा सकते हैं, लेट फाइन थोड़ा बहुत देखे, ऐसा कोई इशू नहीं है अगर अभी नहीं आया है तो, यानी जब तक आपका तो मार्कशीट भी आ जाएगा। तो टीओसी 2 सब्जेक्ट करा लिया, लेकिन 2 सब्जेक्ट से तो हम पास नहीं कहलाएंगे। और अब कहते हैं कि ठीक है, एनआईएस में आप आए हैं, 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे दो, बस सब्जेक्ट सिलेक्शन में इतना ध्यान रखना आप कि कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कोई भी, बाकी 4 आप कुछ भी ले लो तो आप पास कहलाओगे। तो एक तो ये तरीका रहा जो मैंने बताया, आप जिस भी सेक्शन में आते हैं अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं। अब आइए आगे जानकारी देते हैं, सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में, फिर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या कुछ जाएगा वो, ताकि जब आप इसमें आए तो पूरी मेंटली स्ट्रांग होकर आए। देखिए, अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो इसका जो सिलेबस है ना, इसका जो सिलेबस होता है वो बेसिकली 11th प्लस 12th मिक्स होता है। अब ऐसा है कि क्या सर, हम एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो एनआईएस को हम क्रैक कर जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप यूपी बोर्ड में थे तो वहां 11th 12th आपने पढ़ा हुआ, कई बच्चे 11th नहीं पढ़ पाते हैं तो वो भी यहां पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों का मिक्सअप है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसका जो सिलेबस तैयार किया गया है, ये इस तरीके से तैयार किया गया क्योंकि ये ओपन बोर्ड है, स्कूलिंग यहाँ होती नहीं है, तो जब स्कूलिंग नहीं होती है, ओपन बोर्ड है, तो इनके जो सिलेबस को बड़े आसान शब्दों में बनाया गया है। अगर इनके बुक्स को आप पढ़ेंगे तो बड़ा रिलैक्स आपको लगेगा पढ़ने में, इनके क्वेश्चंस का लेवल भी आपको ठीक मिलेगा, ऐसा नहीं बाकी बोर्ड्स के मुकाबले ठीक ठाक मिलेगा, ना बहुत ईजी है ना ही बहुत हार्ड है, ठीक है? तो ये सिलेबस, लेकिन तैयारी की कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि तैयारी के लिए हम आपकी मदद कर देते हैं यहाँ पर। और तैयारी के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा ऐप है GCC NIS क्लासेस, ठीक है? फिर आप डाउनलोड करके आप वहाँ जाके रिक्वायर्ड कोर्सेज में उन कोर्सेज को पढ़ सकते हैं, या अगर आपको स्टडी मटेरियल्स रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपका सिलेबस क्या होगा, कैसे क्या चीज़ होगी, क्या क्या पढ़ना है, वो हम आपको बता देंगे यहाँ पर, ठीक है? सारी जानकारी दे देंगे। सिलेबस में बस थोड़ा सा एक जानकारी और दे देना चाहेंगे कि यहाँ पर बनाया गया है पी चैप्टर्स प्लस TMA चैप्टर्स, यानी इसको ईजी शब्दों में मैं आपको समझाऊँ तो कुछ चैप्टर्स को असाइनमेंट के लिए निकाला गया है जो अप्रैल और अक्टूबर वाले घर पे लिख के देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पेपर में दे देता है। तो मान लीजिए 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर में 10 चैप्टर आपका जो है असाइनमेंट इसका TMA का हो गया, और बाकी 20 चैप्टर जो है मान के चलिए PE का हो गया। तो अगर आप यही अक्टूबर या अप्रैल का देते तो केवल 20 चैप्टर आता, समझाने के लिए बता रहे हैं। 20 चैप्टर के बोले तो लगभग 60% केवल पूछता, और यहाँ पर जो है 40% आपका यहाँ पर नहीं पूछता, लेकिन क्योंकि आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर 60% और 40% दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। खैर नहीं, भाई पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है कम समय में भी आप कर लेंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल में पास भी थे यूपी बोर्ड में, अगर यहां आप आएंगे तो फिर से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो ये जानकारी मैंने दे दिया। आप दूसरा रजिस्ट्रेशन को लेकर आते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने का सही तरीका क्या होगा, कैसे हम फ्रॉड से बच सकते हैं, और क्या इसके लिए एनआईएस कदम उठा रही है, या आपको क्या करना चाहिए, कैसे बाहर लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, और हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, सारी बातें थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम इसको ओवर कर देंगे। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं,
देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए एनआईएस ने कभी ये नहीं कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाएं। एनआईएस का कहना है कि आप डिजिटली ही खुद से एडमिशन ले सकते हैं। और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, बेसिकली मैं कंटेंट पे काम करता हूँ, लाइव क्लासेस देता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो हमें रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता था। तो शुरुआती के एक दो साल जब मैंने एनआईएस में काम किया तो स्टूडेंट्स लोग मुझे मैसेज करने लगे कि सर रजिस्ट्रेशन हम जब कर रहे हैं तो हमसे गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। फिर आया कि सर हमने वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, हमसे 25,000 ले लिया, 15,000 ले लिया। मैंने कहा आप लोगों ने दे कैसे दिया? तो वो इतना सिक्योरिटी के साथ बोल रहे थे सर हम पास करवा देंगे, एनआईएस बोर्ड में हमारा जान पहचान है, ऐसा है वैसा है, ये नंबर दिलवा देंगे, वो नंबर दिला देंगे, ऐसा वैसा कर दिया। तो हमने कहा आप इस झांसे में आके आपने दे दिया? बोले हाँ सर। तो बाद में जाके पिछले दो सालों में हमने अपना एक टीम हायर किया है, वो टीम का एक सर्विस चार्ज है 1,000 रुपीज़ जो आपको स्टार्टिंग में देना होता है। बाकी जगह अगर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो सीधा कहेंगे कि जी 10,000 रुपया लग रहा है, 8,000 लग रहा है, आप 4,000 रुपया दे दो, बाकी आप बाद में देना। अब वो आपके साथ स्कैम कैसे करते हैं मैं आपको बताते हैं। देखिए कोई भी फॉर्म ऑनलाइन जब हम लोग फिल करते हैं तो ईमेल आईडी जरूर मांगा जाता है। पहले एक टाइम था जब आपका ज्वाइनिंग लेटर या कुछ भी आपके घर पे आता था, लेकिन आज सब ईमेल आईडी पे आता है। तो एनआईएस बोर्ड भी उसी चीज को फॉलो करती है, यानी आपका जो भी बिल का जो पेमेंट होता है उसका बिल या बाकी जानकारी, यूजर नेम, पासवर्ड, रेफरेंस नंबर, सारा आपके ईमेल आईडी पर तुरंत ही भेज दिया जाता है। ओटीपी तक आता है ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे। तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे 50% पैसा ले लेते हैं। हालांकि 50% लगता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कितना लग रहा है। अगर लगेगा मान लो 5,000 तो लेंगे 15,000, 20,000 ऐसे लेते हैं वो। तो उनके अकॉर्डिंग मान लो चमड़े का मुंह है, बोल दिया ले लिया पैसा आपसे, उसमें से 5-10 हज़ार रुपये पहले ले लिया, फिर आपका वो फॉर्म तुरंत भर देंगे। अब फॉर्म तुरंत क्यों भरते हैं, वो फॉर्म इसलिए भरते हैं क्योंकि एक बार एनआईएस में जब कोई रजिस्टर हो जाता है और अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वो बताएगा कि ये जो लर्नर है पहले ही से एग्जिस्ट है, यानी अब आगे नहीं होगा, उसी आईडी से आगे बढ़िए। अब एनआईएस तो यही सोच के चलती है कि आपने ही किया होगा और आप ही का ईमेल आईडी इस्तेमाल हुआ होगा, तो आपके ईमेल आईडी पे मेल भी गया होगा, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड होगा। लेकिन ये जो बीच के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ईमेल आईडी आपका ना देकर एक नया ईमेल आईडी बना देते हैं, मोबाइल नंबर आपका दे देते हैं, कई लोगों को दिया है, पर ईमेल आईडी नया बना देते हैं। फिर वो सारा मैसेज उनके पास जाता है, फिर आपको वो भेजते हैं, लेकिन उसमें रेफरेंस नंबर वगैरह ब्लर कर देते हैं, फिर कहते हैं बाकी का पैसा दो फिर हम आपको देंगे, यानी एक्सेस आपको कभी देते ही नहीं है, जिसकी वजह से आगे भी आपके साथ ब्लैकमेल वो कर सकते हैं, यानी आपका करियर की बात है, फिर आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे अगर वो चाहेंगे, क्योंकि सारा जानकारी तो उनके पास है। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करोगे आप, या कोई भी बात रहेगी रिजल्ट कैसे आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो इस तरह का फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन का बहुत ही सिंपल फंडा, यानी एनआईएस की दुनिया में रजिस्ट्रेशन करना आसान है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ करें तो। खुद से कोशिश मैं करने के लिए इसलिए मना करता हूं क्योंकि खुद से करने में बहुत ज्यादा मिस्टेक आ जाता है, जिसकी वजह से आपका एडमिशन पेंडिंग में जा सकता है, या एडमिशन कैंसिल हो सकता है, या आपको ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ जा सकते हैं। और एक बात और, एनआईएस का हेड ऑफिस नोएडा हेडक्वार्टर में है, पूरे भारत का एक है ये, और हर स्टेट में केवल एक ऑफिस होता है। और बाकी कोई भी बोले कि हम ऑफिस वाले हैं, ये है वो हैं, तो आप उन पे भरोसा या विश्वास मत करना, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आजकल ये बोलने लगे हैं कि हम गवर्नमेंट हैं, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो अपने ज़्यादा सब्सक्राइबर के दम पर ये बोलते हैं कि जी कि हम अपने आप को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, हमारा पहचान है, ये है वो है। तो थोड़ा सा आप हम पे ही भरोसा मत करो, आप जानकारी लो, उसके हिसाब से फूंक फूंक कर कदम लो। तो रजिस्ट्रेशन में क्या है यहां पर कि ऑनलाइन सारा प्रोसेस यहां पर आपका होना है, एनआईएस के पोर्टल पर ही होता है यहां पर। अगर इसके फी की बात करें कितना फी लगता है, तो देखिए यहां पर 1,500 से 2,000 रुपया पर सब्जेक्ट लगता है। एक जेन्युइन चार्ज मैं आपको बता रहा हूं जो कि भारत सरकार आपको लेती है, और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये इस बिहाव पे दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे एडमिशन आते रहते हैं, आए दिन एडमिशन आते रहते हैं, तो हमें पता होता है कि 1,500 से 2,000 रुपया एक सब्जेक्ट का चार्ज आपको लगता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर 300, 400, 500 दिखाएगा, जो कि बहुत पुराना डाटा है। यानी कि हम तो सीधा कहते हैं कि अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ईमेल आईडी आपका, मोबाइल नंबर आपका, पेमेंट करने से पहले आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पे यूजर नेम पासवर्ड जाएगा, आप वहां से एक्सेस करके चेक भी कर सकते हैं कितना का पेमेंट जा रहा है, और पेमेंट करने के बाद बिल का रिसिप्ट भी आपके पास जाएगा। फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। और जब आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम आपसे कभी ये नहीं कहते हैं कि आप हमें पूरा पैसा दो। हमारा सिंपल सा फंडा, हम कहते हैं देखो जी आप हमें 1,000 रुपया जो टीम का सर्विस चार्ज है वो केवल दे दो,
जो सर्विस चार्ज बनता है वो केवल दे दो, और साथ में हमें डॉक्यूमेंट्स दे दो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो, और उसके बाद टीम आपके साथ काम करेगी, आपसे बात करेगी, जब फॉर्म फिलअप हो जाए तो ये पैसा देना। इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ आपको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फी स्ट्रक्चर रहा ऑनलाइन, इस तरह से जाता है। क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका 10th और 12th दोनों का मार्कशीट लगेगा यहां पे। तो 10th का मार्कशीट तो आपके पास पहले से होगा, 12th वाला मार्कशीट के लिए प्रॉपर आपको टाइम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। तो इसका जो है आपको मार्कशीट आपको देना होगा, आधार लगेगा दोनों तरफ का, ठीक है। आपका एक फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो जो होता है वो आपको देना होगा, एक सिग्नेचर आपका जाएगा, ठीक है, व्हाइट पेज पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ईमेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर, इतनी सारी चीजें लगेंगी और आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि जो जून में एग्जाम हो रहा है क्या उसका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन है? बहुत सारे लोग बोलेंगे जल्दी जल्दी पैसा दे दो क्योंकि पोर्टल ओपन है, लेट करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे है वैसे है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि अभी तक पोर्टल ओपन हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल ओपन होगा मई एंड में जाके 2024 का ये पोर्टल ओपन होगा। अब अगर ये पोर्टल इस समय ओपन होगा तो इससे पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। तो अब सीन ऐसा है कि इस बार सीबीएसई का रिजल्ट में भी आएगा तो बहुत बच्चे फेल हैं, और आपका यूपी बोर्ड में भी बहुत बच्चे फेल हुए हैं, तो भीड़ इस बार बहुत ज्यादा है। अब भीड़ ज्यादा होने की वजह से जैसे ट्रेन में आप टिकट करवाते हैं वैसे एनआईएस में ऑन डिमांड में लिमिटेड सीट होता है, जहां भी आप एग्जाम सेंटर में सीट आप बुक करना चाहते हैं। तो अगर आप लेट करेंगे तो देखिए एग्जाम तो सितंबर तक होगा, लेकिन आपको चाहिए जून का फर्स्ट वीक में ताकि आपका साल बच सके, और इसी के लिए आपको टाइम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब प्रॉब्लम क्या हमारे साथ आता था कि जैसे मान के चलिए आपने हमें मई एंड में कॉन्टेक्ट किया या जून में कॉन्टेक्ट किया, अब ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन ही कर लेंगे। इतना वीडियो लंबा समझाने के बाद भी आपके मन में कई सारे सवाल होंगे जो आप हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे, तब जाकर आप डॉक्यूमेंट्स देंगे। ऐसा करते करते तब तक आपके इलाके का सीट ही फुल हो गया तो आपका साल खराब हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर निकाला है प्री बुकिंग का सिस्टम। अब प्री बुकिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्री बुकिंग में हम सिंपल फंडा कहते हैं कि देखो आप टीम का सर्विस चार्ज दे दो, टीम का जो सर्विस चार्ज है 1000 आप वो दे दो, और साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से वो दे दो। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास नहीं होगा, जैसे आप 12th का मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास नहीं होगा तो टीम उस समय मांग लेगी, अभी तो वैसे भी नहीं होना है, मई एंड में जाकर होना है पोर्टल ओपन, तब तक तो आराम से आपका मार्कशीट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा कि जैसे ही पोर्टल ओपन होगा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी, और जो स्टूडेंट हम हमारे पास प्री बुकिंग करवा रहे हैं उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि उनका ईयर बच सके। ये सिंपल फंड है, आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी के लिए ही हम ये चीजें कर रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है, टीम का चार्ज पहले लेते हैं क्योंकि टीम आपके साथ काम करती है, और क्या है कि देखिए एक प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल तरीके से ज्यादा है। दूसरी बात, अगर आपको लगता होगा कि मैं 1000 ले रहा हूं तो क्या बाकी लोग 1000 ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेने वाले 5-5, 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, पर हम लोगों को लगता है एट दैट्स एनफ। हमारा केवल देखिए हमारा काउंसलिंग फ्री है, लेकिन ये क्योंकि टीम हायर किया है उसको मेंटेन करना होता है, इसलिए हमने टीम का चार्ज रखा है, वो इतना आपको देना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जो पैसा होगा वो फॉर्म फिलअप के बाद जो भारत सरकार को जमा होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये सारी चीजें हमने यहाँ जानकारी दे दी, और एडमिशन के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमने एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया है 9289377247। आप हमें इस पे डायरेक्ट ये डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो इससे हमारा आपका दोनों का समय बचेगा, या आप वहाँ पर हमें मैसेज करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है आप बिंदास तरीके से पढ़ाई भी यहाँ कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी आपका हो जाएगा। बस आपको मेहनत करना है और एग्जाम देने जाना है, बाकी टीम का जो सर्विस चार्ज है इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है। कई लोग कहते हैं सर हेल्प एंड सपोर्ट मतलब क्या, सेंटर पे कुछ आपका हेल्प मिल जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें सर, वो तो कह रहे हैं 30,000 दे दो हम गारंटी लेते हैं आपको पास करवा देंगे, आपको एग्ज़ाम भी देने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे बस सीधा सा एक सवाल आपको पूछूंगा, आपको अभी यही नहीं पता है कि आपका सेंटर कौन सा है, पोर्टल तो ओपन नहीं हुआ है, तो कोई एक आदमी पूरे इंडिया में सभी सेंटर का कैसे लिंक रख सकता है,
ये तो सबसे झूठ वाली बात यही हो गई। दूसरी बात ये कि अगर बिचौलिए को आपने पैसा दे दिया तो 99% केस में यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं और आप पुलिस कंप्लेन करते रहिए, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका लगभग लगभग पूरे इंडिया में 200 करोड़ के आसपास का स्कैम है एनआईएस बोर्ड में, जो हर गली गली में चोर बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, ये हो रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में आ जाएंगे, या कई बार क्या होता है कि चैनल पे उन्हीं के लोग घूम रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स के रूप में होते हैं, हमारे पास भी कई लोग कमेंट करते हैं, नहीं आपने इनका नाम ले लिया, उनका ले लिया, ये वो, हम समझ जाते हैं कि ये स्टूडेंट नहीं है। तो ये ऐसा मतलब कैसे आपने देखता कि जैसे मार्केट में जाते हैं तो वहां पर बाहर एक आदमी खड़ा होता है, दुकान अंदर होता है लेकिन उसको ले जाता है, तो कुछ इस तरह की चीजें भी होती है जो आजकल चल रहा है। या कई बार आपको फोन आता है कि हम नोएडा हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं या आपका एडमिशन कैंसिल होगा, किसी बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। और मैं एक लाइन बोलूंगा, देखो यूट्यूबर कोई भी बन सकता है, टीचर कोई नहीं बन सकता, और हम सबसे पहले टीचर हैं, इसलिए इस बात को आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट्स भी सेफ है और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन भी हमारी टीम जो है 101% एकदम सही करेगी। और बात रही चीटिंग करने की, बाकी चीजें की, तो ये ग्राउंड लेवल का है, ऑन डिमांड में बहुत कम चांस होता है इस सेंटर पर जो है आपका फर्रे चले या चीटिंग चले, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय हो गया या अच्छे अच्छे रेपुटेड स्कूल्स या कॉलेजेज होते हैं जहां ये चीज़ें नहीं होती है। बट फिर भी एक आध एक्सेप्शन है, कहीं कहीं हो जाता है, कई जगह मान के चलिए इंक्वायरी आती है तो स्टूडेंट्स राजस्थान में कई बार जेल तक हुआ है उनको, या वो सेंटर बंद भी किया गया है, तो डिपेंड करेगा वहां पर कैसे है। एक बात और लास्ट में जो मैं बताना भूल गया था, इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो एग्जाम के बाद होता है, यानी कि जिस दिन भी आप एग्जाम देंगे उस दिन आपको पूछना होगा कि हमारा प्रैक्टिकल किस दिन है, बता देंगे। प्रैक्टिकल फाइल के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, यहां जो हमने नंबर आपको बताया था इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से दिल खोल के जो मेरे पास जानकारी थी वो देने की कोशिश की है। कोई भी बात अगर मुझसे रह गई हो तो वो अलग बात है, बट मैंने अपने लेवल पे कोई भी चीज़ नहीं छुपाई है, और जो आपके डाउट्स और क्वेरी जाते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने सारी बातें बताई है। मैंने पहले ही कहा था वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। अब आपको अपने लाइफ का डिसीजन लेना है, क्योंकि लूटने खपेटने वाले बहुत लोग बैठे हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कैरियर बनेगा या बिगड़ेगा, उनको बस अपने पैसे से मतलब है। कोई भी कदम आगे बढ़ाना, फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाना, अगर आप हमारे बारे में नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पर थोड़ा समय दो, हमारे शॉर्ट्स को देखो, हमारे कंटेंट को देखो, फिर आपको लगेगा कि इस इंसान का क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इनके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। मेरी बातों को क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर एनआईएस में जैसे यूपी में जो है प्रयागराज है रीजनल सेंटर, आप अगर बिहार के हैं तो पटना में है, अगर किसी ऐसे जगह पर है जहां सेंटर नज़दीक है आप वहां जाकर पूछ सकते हैं कि जो मैंने जानकारी दिया है वो सही है या गलत है, एनआईएस की वेबसाइट पर पता कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। मतलब अपने लेवल पर जो करना है कर लो, लेकिन सोच समझ के काम करो। मैं बोल दूं मैं बहुत अच्छा हूं तो अपना दही खट्टा कोई नहीं कहता है, तो क्योंकि 99% लोग यहां फ्रॉड कर रहे हैं तो सवाल मुझ पर भी उठ सकता है, अनजान लोग आते हैं कई बार बोल के चले जाते हैं, तो मुझे लगता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं ही समझ के ये वीडियो लंबा बनाया है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, कुछ आपको नहीं पता एनआईएस बोर्ड के बारे में, तो वो सारी जानकारी मैंने दिया है जो आपके पास होनी चाहिए। फिर भी कुछ रह जाता है तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इसको हम ओवर करेंगे और मिलेंगे एक नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में। तब तक जीवन में आगे बढ़िए, जो भी कीजिए अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।